नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ भावना। सबसे पहले आज की प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नजर। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में रहेंगे, वे वेस्टर्न जोनल काउंसलिंग की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा में कस्टम और जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन करेंगी। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग होगी जिसमें ज्ञानवापी और कश्मीर पर चर्चा होगी। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगी। धीरे धीरे प्रदर्शन का दायरा 12 राज्यों तक पहुंच गया। दिल्ली से कर्नाटक और यूपी से बंगाल तक कई शहरों में हंगामा और पथराव हुआ। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की पुलिस को अलर्ट और तैयार रहने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस ने दक्षिण कश्मीर जिले के खांडीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट के बाद एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार को हिंसा भड़की। इस मामले में 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रशासन ने हावड़ा जिले में 13 जून तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। राजस्थान में रूलिंग पार्टी कांग्रेस ने राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें जीत ली है। एक सीट बीजेपी को मिली। बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय सुभाष चंद्र हार गए हैं। कर्नाटक की 4 सीटों में से बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। यहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के जयराम रमेश को जीत मिली। दिल्ली के रोहिणी स्थित ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लग गई। बता दें कि वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज की मौत हो गई। इस मामले में फायर सर्विस डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, बाकी मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज़ नेटवर्क।